आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज द फंडामेंटल पार्टिकल जो आपका प्रेजेंट होता है इन एनोड रीड्स प्रोड्यूस्ड बाय 1H1 प्रोटॉन इज, राइट? मतलब आपके पास जो 1H1 है उसकी एनोड रेज में, मतलब कि सॉरी द फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एनोड रेज में प्रेजेंट होता है प्रोड्यूस्ड बाय 1H1 वो आपका क्या होगा, फाइन? सो देखो, आपको यहाँ पर समझना होगा, अगर मैं बात करती हूँ फंडामेंटल पार्टिकल्स की, सो आपको समझना होगा, देखो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं ये आपके ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो काउंट करते हैं एक एटम के साइज को, और ये आपके तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पास प्रोटॉन्स, सेकेंड होते हैं आपके पास न्यूट्रॉन्स, थर्ड होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, राइट? प्रोटॉन्स की बात करती हूँ, सो प्रोटॉन्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये आपके चार्जलेस होते हैं, एंड यहीं पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट? एंड आपको ये समझना होगा कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये रिसाइड करते हैं एक एटम के न्यूक्लियस में, एंड यही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके शेल्स में, फाइन? सो जो फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं इन एनोड रे रोड प्रेजेंट एनोड रेज प्रोड्यूस बाय द 1H1, सो वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है आपका प्रोटॉन, राइट? सो ये आपको ध्यान रखना होगा, जो फंडामेंटल पार्टिकल आपके पास प्रेजेंट होता है वो होता है आपके पास प्रोटॉन जो आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, राइट? क्लियर? सो अमंग दीज योर आंसर विल बी प्रोटॉन, फाइन? सो आई होप दिस मेक्स योर आंसर डन, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।